क्रिसमस प्लम केक एगलेस। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल एगलेस प्लम केक घर पे ही बना सकते हैं। और क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है और मैं इसमें रम केक और विदाउट रम दोनों रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें फ्रूट्स को सोक करना है, जिसके लिए हमें एयर टाइट ग्लास कंटेनर्स चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ किशमिश, कुछ काला मुनक्का, कुछ क्रैनबेरीज़, मेरे पास टूटी फ्रूटी है और कैंडिड करौंदा जिसे कि हम चेरी भी बोलते हैं वो भी है। यहाँ पर कुछ एप्रिकॉट्स हैं और मिक्स्ड ड्राइड एंड कैंडिड फ्रूट्स जिसमें कि कीवी है, ऑरेंज है, मैंगो है, वाटरमेलन है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब हमें इन सारे फ्रूट्स को एक पर्टिकुलर साइज़ का छोटा छोटा कट करना है, जिससे कि जब हम इन्हें केक में डालें तो हर बाइट में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हों, क्योंकि सबका साइज़ डिफरेंट है। आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। टूटी फ्रूटी तो ऑलरेडी छोटी है, किशमिश वगैरह मैं ऐसे ही डालूँगी, बट जो भी बड़े फ्रूट्स हैं जो कि अनइवन हैं उन सबको मैं चॉप कर दूंगी। अगर आपको ये ड्राइड एंड कैंडिड फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, बट आपको ये जनरली किसी भी ड्राई फ्रूट शॉप में या फिर ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सिर्फ किशमिश, टूटी फ्रूटी और चेरी के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अराउंड 200 ग्राम्स फ्रूट्स यूज़ किए हैं और कुछ चॉप नट्स जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने सबको चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है ये। अब मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करूँगी, क्योंकि मैं आपको दोनों रेसिपीज़ दिखा रही हूँ, इसलिए एक कंटेनर में मैं इनको सोक करूँगी रम में और दूसरे में मैं इनको सोक करूँगी फ्रूट के जूस में। अगर आपको रम वाला या फिर एल्कोहल वाला नहीं बनाना है तो आप इसे एप्पल जूस, ग्रेप जूस, ऑरेंज जूस, किसी भी जूस में बना सकते हैं। फ्रेश है तो बहुत अच्छा है, बट आप मार्केट में जो पैक जूसेस आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्रेश ऑरेंज का जूस लिया है और जिसको मैं फ्रूट्स में डाल के कवर करके रख दूँगी और हम इसको एवरी सम टाइम डेली बेसिस पे हम इसको शेक करते रहेंगे। आप कितने दिन के लिए सोक कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने फ्रूट्स को सोक किया था अराउंड 15 डेज के लिए। और अब आता है हमारा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रम केक का, वो है डार्क रम। तो मैं अराउंड 40 ml डार्क रम इसमें ऐड करूँगी। क्रिसमस के जो फ्रूट्स होते हैं आप उन्हें मिनिमम एक दिन के लिए सोक ज़रूर करिए। आप एक दिन से लेकर 2 महीने तक कितने भी दिन के लिए सोक कर सकते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप जो कि है प्रिपेयरिंग द डार्क कैरमेल। इस रेसिपी में मुझे 1/2 कप ब्राउन शुगर चाहिए, जिसमें से मैंने 2 टेबलस्पून एक पैन में ट्रांसफ़र किया है और मैं इसमें 1 to 2 टेबलस्पून पानी डाल के धीरे धीरे इसको मेल्ट होने दूंगी। और मुझे एक डार्क कलर का कैरमेल चाहिए। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ब्राउन शुगर से मॉइस्चर बहुत अच्छा आता है केक में और कलर बहुत अच्छा आता है। अब जैसे ही मुझे लगेगा कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है और एक कैरमल कलर बहुत अच्छा सा आ गया है इसमें, मैं इसमें अराउंड 1/2 कप गरम पानी ऐड करूंगी, बट संभल के, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर उधर चिटक सकता है, हाथ जलने का भी डर है। तो आप जब भी कैरमेल को हैंडल करिए तो बहुत सेफ्टी के साथ हैंडल करिए। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी धीरे धीरे करके ऐड करूँगी और उसको मिक्स करके हम इसे जब तक ये 1/4 कप नहीं हो जाता तब तक बॉईल करेंगे। और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 ड्रॉप लेमन जूस का, जो कि इसे हेल्प करेगा कि क्रिस्टलाइज ना हो। कैरमल सिरप बनाना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप ये बनाते हैं तो इससे एक बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर भी आता है, बहुत ही इंटेंस फ्लेवर भी आता है। और जो डार्क कलर जो कि एक्चुअली जो प्लम केक का एक्चुअल कलर होता है वो भी हमें इसी से मिलता है।
तो ये रेडी है, अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब हमारा आता है स्टेप 3 जो कि है लाइनिंग द बेकिंग पैन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कोई भी केक बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे हाफ ब्रेड टिन लिया है जिसको मैं बटर से अच्छे से ब्रश करूँगी, कॉर्नर्स में भी ब्रश करना है और जो हमारे एजेस हैं उसके वहाँ पे भी अच्छे से ब्रश करना है। इसके बाद मैं बेकिंग पेपर का भी यूज़ करने वाली हूँ, बट अगर आप बेकिंग पेपर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें बटर लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दीजिए और बाद में उसको जस्ट पैट करके जो भी एक्सेस मैदा है वो निकाल दीजिए। आप ऐसे भी केक बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बेकिंग शीट भी लगाऊंगी। तो इसके बाद मैं इसमें वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से बटर पेपर लगा दूंगी और थोड़ा बाहर को भी रखेंगे जिससे कि हमें केक निकालने में आसानी हो। तो ये हमने लाइन करके पहले से ही साइड में रख लिया है। अब आता है हमारा स्टेप 4 जो कि है प्रिपेयरिंग द ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड सीविंग द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे जायफल और लौंग लिया जिसमें कि मैंने 2 लौंग और जस्ट 1/4 टेबलस्पून मुझे नटमेग का पाउडर चाहिए, और मैं इन दोनों को अच्छे से क्रश करके पाउडर बना लूँगी। और अब हम एक दूसरे बाउल में स्पाइस मिक्स तैयार करेंगे जिसमें कि लौंग का और जायफल का पाउडर है, और मैं 1/2 टेबलस्पून इसमें ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ ऐड कर रही हूँ और 1/4 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करेंगे। तो इसमें 200 ग्राम्स मीन्स 1 कप मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, स्पाइस मिक्स है हमारा, 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इन सबको हम अच्छे से सीव कर लेंगे। इसका 2 पर्पस है, पहला ये कि जो भी लम्ब्स होते हैं, हमने जो स्पाइसेस भी ग्राउंड किए हैं अगर कुछ मोटा रह गया है तो वो उससे छन जाता है, और दूसरा कि हमारा बैटर काफ़ी एयरी बनता है। अब स्टेप 5 है हमारा कि हमें वेट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 कप गुनगुना मतलब कि लूक वार्म मिल्क लिया है जिसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून विनेगर डाला है और उसको मिक्स करके साइड में रख दिया है। अब मैं यहाँ पे 50 ग्राम्स बटर ले रही हूँ, ये अनसॉल्टेड है बट आप सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो 1/2 कप ब्राउन शुगर में से जो हमने 2 चम्मच यूज़ किया, तो उसके बाद जो ब्राउन शुगर बची है हम वो ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर देंगे और हम इसको विस्क करेंगे। प्लम केक बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आइडियली आप इसे हैंड विस्क से ही मिक्स कर सकते हैं। और एक बार ये थोड़ा सा फ्रॉथी हो जाता है, मैं इसमें अ पिंच ऑफ हिमालयन सॉल्ट मतलब कि सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपने सॉल्टेड बटर लिया है तो आप इसमें सॉल्ट मत ऐड करिए। अब इसके बाद हम इसमें जो हमने बटर मिल्क बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। सारे मेजरमेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ 4 to 5 ड्रॉप्स। मैंने यहाँ पे ओसोरो का फ्रेंच वनीला एसेंस यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने कैरमल सिरप बनाया था वो भी डाल के मैं मिक्स कर दूंगी। अब हमारा 6 and 7 स्टेप। सबसे पहले हमें ओवन प्रीहीट करना है 180 डिग्रीज या फिर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और अब हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो हम वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से, और हमें इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें कैंडिड फ्रूट्स डालेंगे जो कि हमने सोक करके रखे थे। हमें सिर्फ फ्रूट्स चाहिए, हमें जूस नहीं चाहिए, बट मैंने जितना भी जूस डाला था वो सब फ्रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो मैंने इसमें सब डाल दिया है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ चॉप्ड नट्स थे जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, वो मैंने चॉप करके रखा था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब आता है हमारा फाइनली रम सोक्ड फ्रूट्स जो कि हमारा रम केक को सबसे अच्छा फ्लेवर देगा। तो इसमें भी मुझे खाली फ्रूट्स चाहिए, मुझे रम नहीं चाहिए। मैं थोड़े से फ्रूट्स बचा भी लूँगी ऊपर गार्निशिंग करने के लिए।
और अब इन्हें भी हम कट फोल्ड मेथड से मिक्स कर देंगे। जो ये प्लम केक होता है या रम केक होता है, इसका टेक्सचर काफ़ी डेंस होता है और इसका जो बैटर होता है वो रनी नहीं होता है, वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं जस्ट 1 to 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ हमारे प्लम केक का टेक्सचर होना चाहिए। और अब ये मिक्स हो चुका है, मेरा ओवन भी 180 डिग्रीज पे प्री हीट हो चुका है। अब हम बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे बेकिंग ट्रे में। क्योंकि ये बैटर थिक है तो हमें इसे ट्रांसफ़र करने के बाद पुश करना होगा एजेस में, साइड्स में, जिससे कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप अपने फिंगर्स को प्लेन वाटर में डिप करके लास्ट में इसे लेवल भी कर सकते हैं, और अगर आपकी बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा कहीं साइड में लग भी गया है तो आप वो भी इसे क्लीन कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया है बट शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो। अब उसको एक अच्छा लेवल करने के बाद केक को मैं इसमें कुछ चॉप्ड नट्स डाल रही हूँ, थोड़े से जो मैंने फ्रूट्स बचाए थे वो भी मैं इसमें ऊपर से एज अ गार्निश ऐड कर रही हूँ। अब हमारा केक एकदम रेडी है जाने के लिए ओवन में। हम इसको 3 बार पैट करेंगे और हम इसको 180 डिग्री सी या फिर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, या फिर जब तक कि हमारा स्कीवर क्लीन नहीं आता। 45 मिनट्स के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं, 45 से 60 मिनट्स तक में हो जाता है जनरली। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्कीवर मेरा फाइनली 50 मिनट्स के बाद क्लीन आ गया है। एंड दिस इज़ हाउ आर प्लम केक इज़ लुकिंग। बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रेसिपी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स बाकी हैं। तो अभी केक थोड़ा सा मेरा वार्म ही है, मैं इसमें स्कीवर से कुछ रैंडमली होल्स कर रही हूँ, पोक कर रही हूँ इसको। आप चाहें तो ठंडा होने के बाद इमिजिएटली भी कट करके सर्व कर सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप करते हैं तो। अब मैं इसमें कुछ रम ब्रश कर रही हूँ। ये करने से एक तो रम का फ्लेवर काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाता है, सेकेंडली केक का मॉइस्चर बना रहता है। जनरली क्रिसमस प्लम केक क्रिसमस से कुछ दिन पहले बना लिया जाता है और उसमें रम ब्रश करके उसको क्लिंग फिल्म में रैप करके रख दिया जाता है। आप एवरी 2-3 डेज में इसको ओपन करके रम ब्रश करके वापस से इसको स्टोर कर सकते हैं क्रिसमस के लिए। बट अगर आपको ये इमिजिएटली सर्व करना है तो जब ये हल्का सा वार्म है तभी आप इसमें रम ब्रश करिए, और जब ये एकदम ठंडा हो जाए, क्योंकि हमारा केक काफ़ी डेंस है तो इसे ठंडा होने में अराउंड 2 से 3 घंटे आराम से लगेंगे, तो आप इसे ठंडा होने के बाद ही बेकिंग पैन से निकालिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने पहली बार हमारे वीडियो पे क्लिक किया है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब हमने रम अच्छे से ब्रश कर दिया है कॉर्नर्स में भी, सब जगह भी। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, और जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तब हम इसे बेकिंग पैन से निकालेंगे। क्रिसमस केक जनरली एग के साथ ही बनता है, बट मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसकी एगलेस रेसिपी शेयर करती हूँ, कि जिससे कि जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग भी इसे बना सकें और ट्राई कर सकें। एंड आई एम श्योर अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं, इसके बाद आप कभी भी प्लम केक मार्केट से नहीं खरीदेंगे, आप हर साल इसे खुद घर पे ही बनाएंगे। अब हम इसकी बेकिंग शीट भी निकाल देते हैं। केक एकदम ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है बाय दिस टाइम। एंड दिस इज़ द परफेक्ट डार्क कलर जो कि प्लम केक का होता है, होना चाहिए। और अब मैं इसे क्लिंग फिल्म में रैप करके एक एयर टाइट कंटेनर पे स्टोर कर दूंगी। आई विल स्टोर इट फॉर अराउंड 3 डेज, बट दिस स्टेप इज ऑप्शनल। आई नो कि सब लोग इतना वेट नहीं कर सकते, आप चाहें तो आप इसे इमीडिएटली भी कट कर सकते। And it's ready. And finally, it's time to cut the cake.
तो आप देख सकते हैं जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हर बाइट में आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आएंगे। केक में मॉइस्चर भी बहुत अच्छा है। दिस इज अ परफेक्ट प्लम केक। डू ट्राई दिस रेसिपी। डू शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स विद मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। Happy cooking and bye.